पानीपत निवासी आजाद सिंह मलिक को हरियाणा किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आज कांग्रेसी नेताओं ने किया उनका स्वागत, काला कमान का जताया आभार। आपको बता दें, पानीपत में आजाद सिंह मलिक जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब कांग्रेस में वह हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हो गए हैं और वह किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और कहा है कि वह किसानों के साथ हैं और किसान कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के हित ऐसी रही है और जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते वह इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं और आगे भी किसानों के भलाई के लिए वह काम करते रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने भी उन्हें अपना आश्वासन दिया है कि वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में अहम योगदान देंगे। हमारी कार्यशैली हम गांव से जितने भी हमारे भाई हैं उनको मोटिवेट करेंगे और उनको साथ लेकर हम अपनी मांगों को इसके प्रति जो भाई बैठे उनको और मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करके अपनी मांगों के प्रति हम एक बड़ा मजबूत अपना संगठन तो है और उसमें और भागीदारी करेंगे। मलिक साहब, कृषि कानूनों पर साफ राय है कि तीनों के काले कानून वापिस ले, MSP पर कानून बनाए, यही हमारी मांग है और इसी से हमारा सभी का यही है। क्या मतलब योजना? देखो, भविष्य की तो बीच में आंदोलन को उठाने के लिए सब सारे जितने भी किसान से जुड़े संगठन हैं वो अपने बार बीच बीच में आवाज़ उठा रहे हैं और उसको मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। सभी आप अपने प्लेटफार्म पे इसमें सभी लगे हुए हैं। 36 बरादरी किसान, 36 बरादरी किसान को एक नहीं है, किसान जो भी खेती करता है किसी बरादरी में 36 बरादरी सारी सब इसके प्रति एकजुट हो रही है और मौके मौके पर इसको मोटिवेट करने का सभी काम कर रहे हैं। पानीपत निवासी आजाद सिंह मलिक को हरियाणा किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आज कांग्रेसी नेताओं ने किया उनका स्वागत, काला कमान का जताया आभार। आपको बता दें, पानीपत में आजाद सिंह मलिक जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब कांग्रेस में वह हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान हो गए हैं और वह किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और कहा है कि वह किसानों के साथ हैं और किसान कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के हित ऐसी रही है और जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते वह इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं और आगे भी किसानों के भलाई के लिए वह काम करते रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने भी उन्हें अपना आश्वासन दिया।